गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कक्षा टेंथ में एसिटिक अम्ल और या एथनोइक अम्ल के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ाया था उसमें हमने आपको एथिल अल्कोहल के बारे में बताया था। आज हम एसिटिक अम्ल या एथनोइक अम्ल के बारे में बताएंगे। तो बच्चों देखो, एसिटिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH, अणुसूत्र होता है इसका ये। और जो इसका संरचना सूत्र होता है तो देखो बच्चों, इसमें आपका जो दो कार्बन होते हैं, एक कार्बन तो क्या होता है तीन हाइड्रोजन के साथ एकल बंध बनाता है, और जो इसकी चौथा बंध होता है वो इसके निकटवर्ती कार्बन के साथ ये एकल बंध बनाता है, और इसमें इसकी जो चारों वैलेंसी है उसमें से दो वैलेंसी है वो दो द्विसहसंयोजक बंध द्वारा ऑक्सीजन से जुड़ी रहती है। और इस प्रकार जो आपकी जो आखिरी इसकी संयोजकता होती है वो आपकी ऑक्सीजन के साथ एकल बंध द्वारा जुड़ी रहती है। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब यह है कि इसमें एक कार्बन पर चार एकल सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं और दूसरे कार्बन पर एक द्विसहसंयोजक बंध और दो एकल बंध पाए जाते हैं। बच्चों देखो, एथनोइक अम्ल के बारे में बताया किसने था, सन 1845 ईस्वी में एक वैज्ञानिक कोलबे ने इसे संश्लेषित किया था और उन्होंने बताया था कि जो एसिटिक अम्ल होता है वो सिरके का मुख्य अवयव है, इसीलिए इसे सिरके का अम्ल भी कहते हैं, सिरके का अम्ल भी कहते हैं। देखो बच्चे, जो देखो आपको पता है अगर इसमें अम्ल आ रहा है तो इस स्वाद में हमेशा खट्टा होगा, ठीक है। और इसका यूज हम बहुत से खाद्य पदार्थों के निर्माण में भी करते हैं, जैसे कि हम बहुत सारे हम चाइनीज फूड खाते हैं तो इसमें एसिटिक अम्ल का बहुत ही अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इसके भौतिक गुण की। भौतिक गुण की बात करें, सबसे पहला जो गुण है, शुद्ध एसिडिक अम्ल एक रंगहीन विशेष प्रकार के सिरके जैसी तीक्ष्ण गंध वाला संक्षारक होता है। संक्षारक का मतलब ये होता है, अगर हम बच्चों इसे किसी भी अचार में डाल देते हैं तो वो क्या होता है, उसका जो खराब होने का जो रेट होता है वो क्या है, कुछ हद तक कम हो जाता है, तो ये क्या है, उसे सुरक्षा प्रदान करता है। सेकंड क्या है, इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक कितना, 16.5 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जल से भारी है और इसका जो अपेक्षित घनत्व होता है वो 1.045 ग्राम प्रति ml होता है। फोर्थ पॉइंट ये क्या है, यह जल तथा कार्बनिक विलायकों में पूर्णतः विलेय है। तो बच्चों आज हमने इसके बारे में कुछ आपको बेसिक नॉलेज बताया है, कल हम इसके हम रासायनिक गुण पढ़ाएंगे। थैंक यू।